हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर आंटी जेरानियों की दानी डाबला में एक दानी में अचानक आग लग गई। आग लगने के दौरान दानी में महिला और उसका बच्चा था। आग को देखकर बच्चे को लेकर झोपड़े से बाहर निकली। आग की लपेट पास के दानी तक पहुंच गई और दोनों परिवार की दानी जलकर राख हो गए। सूचना मिलने पर शहर के फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। दानी में बाजरी, मूंग, मोट व अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गया। आग के कारणों का पता नहीं लगा। प्रत्यक्षदर्शी मानाराम ने बताया कि सोमवार दोपहर को अमेदाराम पुत्र कबीराराम की दानी में अचानक आग लग गई। उस वक्त दानी में अमेदाराम की पत्नी व एक बच्चा था। आग को देखकर महिला बच्चे को लेकर बाहर निकल गई। दानी से बाहर आकर महिला के चिल्लाने पर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। लोगों ने पास के ट्यूबवेल से पानी लाकर आग बुझाने की कोशिश करने लगे। सूचना मिलने पर बाड़मेर शहर से फायर ब्रिगेड भी पहुंची। आग की लपेट तेज होती गई और पास में ही शंकराराम जगनाराम की दानी को भी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। आग पर जब तक काबू पाते तब तक दानी जलकर राख हो गई। आग लगने के कारण का पता नहीं लग पाया है। दानी में रखा अनाज व घरेलू सामान जला। आग लगने से दानी में बाजरी, मूंग, मोट, बिस्तर सहित अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गया। गनीमत यह रही कि समय रहते महिला और बच्चा दोनों आग लगते ही बाहर आ गए। सूचना मिलने पर बाड़मेर से फायर ब्रिगेड पहुंची, आग पर काबू पा लिया। आग पर काबू पाने तक प्रशासन का कोई भी अधिकारी और कर्मचारी नहीं पहुंचा। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकराम मेघवाल की रिपोर्ट।